नारंग नारंग। तो तरक्की का जमाना है। क्यों रवि? हाँ रेडी। दोस्तों 60 के दशक के मध्य में हिंदी सिनेमा के दर्शकों का परिचय एक ऐसे खलनायक से हुआ था जिनकी बिल्लोरी आंखें हमेशा ही दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचती आई। लेकिन बहुत कम लोग इस बात से परिचित होंगे दोस्तों कि यही कमल किशोर कपूर यानी कि कमल कपूर 1940 और 1950 के दशकों में कई फिल्मों में हीरो बनकर आए थे। आपकी नजर भी उतारी। माँ के दूध की कीमत भला पैसे से चुकाई जा सकती है। करियर के अगले दौर में करीब 3 दशकों तक वो सिनेमा के पर्दे पर खलनायकी के जौहर दिखाते रहे। पुलिस समझती है कि तुम डॉन हो और हम जानते हैं कि तुम डॉन नहीं। और फिर 1990 के दशक के मध्य में सिनेमा की जगमगाती दुनिया को अलविदा कह गए। स्वर्ग नरक सब यही है बेटी, इंसान को अपने कर्मों का फल सब यही मिल जाता है। फरवरी 1920 को पेशावर में जन्मे कमल कपूर की पढ़ाई लिखाई दोस्तों लाहौर में हुई। बोल लो जितना भी बोलना है, शादी के बाद बोलने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। यो बद्रीनाथ जी। इनके बड़े भाई पुलिस अधिकारी थे जिनकी नियुक्ति तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस के नागपुर जबलपुर और वर्धा शहरों में होती रहती थी। कमल कपूर के मुताबिक पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद उन्होंने सोचा कि बड़े भाई के पास सेंट्रल प्रोविंस चला जाऊंगा, लेकिन अचानक मुंबई चले आए जहां उनकी मौसी के बेटे यानी पृथ्वीराज कपूर पहले से ही रंगमंच और फिल्मों में अपनी खासी पहचान बना चुके थे। ये साल 1944 का वाक्या है दोस्तों। संयोग से पृथ्वीराज कपूर ने उसी साल पृथ्वी थिएटर की नींव रखी थी। उन्होंने मुंबई में जमने में कमल कपूर की बहुत मदद की। जिसने चिट्ठी में हमारे बाजू तोड़ देने की धमकी दी थी। पृथ्वी थिएटर के नाटक दीवार में अंग्रेजी अधिकारी की भूमिका के साथ कमल कपूर ने अभिनय की दुनिया में पहला कदम रखा। इसके बाद साल 1946 में कमल कपूर की पहली फिल्म दूर चले प्रदर्शित हुई। दुर्गा पिक्चर्स के बैनर में बनी इस फिल्म के निर्देशक फणी मजुमदार, संगीतकार कैसिडे और नायक नायिका कमल कपूर और नसीम थे। ये फिल्म तो ज़्यादा नहीं चली थी, लेकिन इस फिल्म ने कमल कपूर को थोड़ी बहुत पहचान ज़रूर दे दी। इसके बाद कमल कपूर ने वनमाला के साथ हातिम ताई जो 1947 में आई थी, सुरैया के साथ डाक बंगला जो 1947 की ही थी, उसके बाद हुस्न बानो के साथ परदेसी मेहमान जो 1948 में आई थी, पाकिस्तान से आई अभिनेत्री रागिनी के साथ इंसान जो कि 1952 में आई थी, 1952 में ही श्यामा के साथ जग्गू और गीता बाली के साथ 1954 में आई फिल्म अमीर जैसी कुल 21 फिल्मों में बतौर नायक काम किया। लेकिन दोस्तों फिल्म जग्गू को छोड़कर बाकी कोई भी फिल्म चल नहीं पाई। डाक बंगला कमल कपूर द्वारा साइन की गई पहली फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म उनकी एक दो फिल्मों के बाद प्रदर्शित हुई थी। राज कपूर की बतौर निर्माता निर्देशक साल 1948 में बनी पहली फिल्म आग में कमल कपूर ने दोस्तों अभिनेता राज कपूर के पिता की भूमिका निभाई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस तरह की तमाम भूमिकाओं को अस्वीकार कर दिया था। कमल कपूर के मुताबिक दोस्तों वो दौर ऐसा था जब उनका करियर दिशाहीन हो चला था। चरित्र भूमिकाएँ वो करना नहीं चाहते थे और बतौर नायक उनकी तमाम फिल्में एक एक करके फ्लॉप होती जा रही थी। ऐसे में उन्होंने खुद ही फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। साल 1951 में उन्होंने निर्माता निर्देशक राजेंद्र नाथ जोली के साथ मिलकर फिल्म कश्मीर बनाई, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में उनके साथ अरुण, वीणा, निरुपा रॉय और अल नासिर थे। संगीत हंसराज बहल का था, लेकिन ये फिल्म भी नहीं चल पाई। साल 1954 में कमल कपूर ने स्वतंत्र रूप से फिल्म खैबर का निर्माण किया। कपिल पिक्चर्स के बैनर और केदार कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म के संगीतकार हंसराज बहल और नायक नायिका
कमल कपूर और निगार सुल्ताना थी। कमल कपूर के मुताबिक दोस्तों, फिल्म खैबर इतनी बुरी तरह पीटी थी कि वो सड़क पर आ गए थे। यहाँ तक कि साल 1946 में इन्होंने जो कार खरीदी थी वो भी बिक गई थी। नायक की भूमिकाएं मिलना तो दूर, इन्हें छोटा मोटा काम भी मिलना बंद हो गया था। कमल कपूर के मुताबिक दोस्तों, वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था। अपवाद स्वरूप कभी कभार 1958 में आखिरी दांव जैसी एक आध फिल्म ज़रूर मिली, वरना 9 साल तक वो बेकार बैठे रहते। उनके मुताबिक आखिरी दांव में वो पहली बार खलनायक बने थे। कमल कपूर के करियर का खलनायकी का दौर सही मायनों में साल 1965 में बनी फिल्म जौहर महमूद इन गोवा से शुरू हुआ था। इसका श्रेय वो मशहूर निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा जौहर को देते थे। उनके मुताबिक यश चोपड़ा के जहन में नाटक दीवार की उनकी भूमिका ताज़ा थी, इसलिए फिल्म जौहर महमूद इन गोवा में अंग्रेज़ खलनायक की भूमिका के लिए आए जौहर को उनका नाम यश जौहर नहीं सुझाया था। इस फिल्म की कामयाबी के साथ ही दोस्तों, कमल कपूर की अच्छे दिनों की शुरुआत हुई और आगे चलकर उन्होंने जौहर इन बॉम्बे, जौहर महमूद इन हांगकांग, जब जब फूल खिले, राजा और रंक, दस्तक, पाकिजा, पापी, चोर मचाए शोर, फाइव राइफल्स, दो जासूस, दीवार, खेल खेल में मर्द और तूफान जैसी कई फिल्मों में इन्होंने छोटी बड़ी भूमिकाएं की। साल 1967 में बनी फिल्म दीवाना में वो एक बार फिर से राज कपूर के पिता की भूमिका में नजर आए थे। कमल कपूर के मुताबिक दोस्तों, फिल्म जब जब फूल खिले जो 1965 में आई थी, तो उनके मुताबिक जुबली समारोह से ट्रॉफी लेकर जब वो अपनी पत्नी के साथ देर रात बाहर निकले, तो भारी भरकम ट्रॉफी को उठा पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उस रोज़ पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें लिफ्ट देकर अपनी गाड़ी से उनके घर तक पहुंचाया था। ऐसे में उन्हें साल 1954 में फिल्म खैबर के फ्लॉप होने की वजह से दोस्तों, बी की अपनी कार बहुत याद आई थी और यही वजह है कि उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार दिन वो था जब साल 1966 में उन्होंने फिर से कार खरीदी। साल 1975 में बनी फिल्म दीवार में उन्होंने सिर्फ एक दृश्य की छोटी सी भूमिका की थी और दर्शकों को वो भूमिका बेहद पसंद आई थी। यहाँ तक कि बेंगलोर में तो एक रोज़ ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही ने उनसे मिलने के लिए काफ़ी दूर तक उनकी गाड़ी का पीछा किया था। साल 1993 में बनी फिल्म जख्मी रूह कमल कपूर की आखिरी फिल्म थी दोस्तों, जिसके बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया को अलविदा कह दिया था। तीन बेटों और दो बेटियों के पिता कमल कपूर के छोटे दामाद स्वर्गीय रमेश बहल अपने दौर के मशहूर निर्माता निर्देशक थे, जिन्होंने द ट्रेन, जवानी दीवानी, कस्मे वादे, बसेरा, पुकार और इंद्रजीत जैसी करीब एक दर्जन फिल्में बनाई थीं। कमल कपूर के दोहते गोल्डी बहल एक जाने माने निर्माता निर्देशक हैं। कमल कपूर के छोटे भाई रविंद्र कपूर भी एक अभिनेता थे। उन्होंने 1950 के दशक में सुन तो ले हसीना, मैंने जीना सीख लिया और खूबसूरत धोखा जैसी फिल्मों में नायक की भूमिका की थी। आगे चलकर वो भी चरित्र भूमिकाएं करने लगे थे। दोस्तों, जिंदगी के करीब 50 साल हिंदी सिनेमा को देने वाले अभिनेता कमल कपूर 2 अगस्त 2010 को मुंबई में वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। उनकी उम्र 90 साल थी। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।